वेरी वॉर्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपने बालों का और अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे। बताएं जी, आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और जिस जिस जगह से आपने हमें ज्वाइन किया है वहाँ पर वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर जो है वो चेंज होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं या सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। मुझे तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए नहीं लगती हैं कि उसमें बस ऐसे ही कभी बारिश वाला मौसम होता है तो सब कुछ स्टिकी चिपचिप होता है और गर्मी को आई थिंक बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सर्दी को आप अपने आप को कवर करके बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आप लोग बताएं किस किस जगह से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, वहाँ पे किस किस्म का वेदर है और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं या सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। हर वेदर की अपनी एक खूबसूरती होती है और हर वेदर जो है वो वैसे तो अच्छा होता है और उसको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें हर तरह का वेदर मिलता है और हम हर तरह का मौसम इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि जो स्किन होती है उसमें चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। ऑब्वियसली जब वेदर चेंज होगी तो स्किन में, बालों में, सब चीज़ों में चेंज आता है और उस चेंज को आपने कैसे टैकल करना होता है उसको टैकल करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि जो रूटीन आप फॉलो करते हैं गर्मियों में या फॉलो कर रहे थे गर्मियों में वही एज इट इज़ आप सर्दियों में भी फॉलो करेंगे और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़े से चेंजेस जो है वो डेफिनेटली करने पड़ते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो भी हमने इसी चीज़ पर रखा हुआ है कि जैसे वेदर चेंज है, यानी कि सर्दियाँ हैं या सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो मौसम बदल रहा है या बदल जाएगा और सर्दियाँ आ जाएंगी, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो फ्रेश रह सके, हेल्दी रह सके और वो बिल्कुल भी खुश, ड्राई और विदर्ड जो है, और क्या कहते हैं, मुरझाई ही जो है वो आपको ना फील हो और उसके ऊपर रौनक होनी चाहिए और एक हेल्थ और एक ग्लो जो है वो नज़र आता है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि गर्मियों में तो कुछ चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं, स्किन उनको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सर्दियों में वो बर्दाश्त नहीं करती। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करें, आपने हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी यूज़ नहीं करना, ना हाथ धोने के लिए और ना ही बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि वो बालों के लिए, स्किन के लिए, इवन आपने अपने फेस की स्किन के ऊपर भी उसको यूज़ नहीं करना। आप करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ड्राई, बहुत विदर्ड और आपको अच्छी नहीं लगेगी, इवन रिएक्टिव भी हो सकती है कि उसके ऊपर जो है वो कोई इरिटेशन स्टार्ट हो जाए, विच इज़ नॉट गुड। हम क्यों अपनी स्किन के साथ ऐसे होने दें। उसी तरह से ये होता है कि जो टॉवल है, क्योंकि टॉवल जब आप यूज़ करते हैं तो खैर बैक्टीरिया तो उसके अंदर हो ही सकता है या कोई भी चीज़ जो है वो गंदी हो सकती है, आप जितना भी साफ कर लेंगे उसके अपने अंदर, उसका मटेरियल ऐसा होता है कि उसके अपने अंदर जो है वो बैक्टीरिया या जो क्या कहते हैं जर्म्स हैं वो डेफिनेटली पैदा हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सर्दियों में जो है वो पैड ड्राई करें अपनी स्किन को, और पैड ड्राई कैसे करें आप, जैसे पेपर टॉवल होता है, किचन टॉवल होता है, वो आप रखें और उसको यूज़ किया करें और उसके बाद आप उसको फेंक दें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो इन्फेक्टिव भी ना हो सके और उसके अलावा ये भी ना हो कि जो स्किन है वो हमारी ड्राई हो रही है बिकॉज उसको फ्रिक्शन मिल रही है। फ्रिक्शन नहीं हमें चाहिए, फ्रिक्शन मिलेगी स्किन को तो वो फिर ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं रहती है। इसके साथ साथ क्या होता है, एक तो मैंने आपको पानी का बताया और एक मैंने आपको बताया कि अगर आप टॉवल को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं कि क्या स्किन की क्लिंजिंग सर्दियों में भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। क्लिंजिंग क्या करती है कि वो आपके पोर्स तक क्लिंजिंग कर देती है और आपकी अंदर से आपकी सारी की सारी स्किन आपके पोर्स को साफ कर देती है। अगर आपके पोर्स साफ नहीं होंगे तो इवन आप अगर कोई मेकअप नहीं भी करते हैं तो आप जो डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं या डेली बेसिस पे सनब्लॉक यूज़ करते हैं वो सब जो है वो इकट्ठा होता जाएगा आपके पोर्स में और फिर पोर्स क्लॉग हो सकते हैं और क्लॉग होंगे तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर पिंपल भी बन सकता है या फिर वाइट हेड्स भी बनते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली ना भी हो, एक्नी प्रोन ना हो या एक्नी वाली स्किन ना भी हो, एक्टिव एक्नी उसके ऊपर ना भी हो, तब भी आपकी स्किन के ऊपर जो है वो वाइट हेड्स बन सकते हैं जो कि पोर क्लॉगेज की वजह से बनते हैं या फिर अगर आप अनसुटेबल मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तब भी बनते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि क्लिंजिंग आपने ज़रूर करनी है। ये ज़रूर हो सकता है, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप गर्मियों में दो दफ़ा क्लिंजिंग करते थे
तो अब आप एक दफा कर लें, यानी कि रात को सोने से पहले जब आप अपना फेस वॉश करें तो उससे पहले 10 सेकंड्स के लिए क्लिंजिंग जरूर कर लें। अब हम आ जाते हैं कि क्लिंजिंग होगी, क्लिंजिंग के बाद आपने जो फेस वॉश है उसको जरूर देख लें कि अगर गर्मियों में जो आप फेस वॉश यूज कर रहे थे और वो आपकी स्किन को अब अच्छा नहीं लग रहा, आपकी स्किन अच्छा फील नहीं करती उसके बाद, तो आप उसको चेंज कर लें, उसको जरूर चेंज करें। ऐसे फेस वॉशेस या फिर इस तरह के बार्स जो कि हार्श होते हैं या जिनका पीएच जो है वो बैलेंस नहीं होता, वो अगर आप ना यूज करें सर्दियों के मौसम में तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, तो वो है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है वो सबके लिए डिफरेंट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई ऐसा यूनिवर्सल मॉइस्चराइजर है कि कोई भी किसी भी स्किन टाइप वाला यूज कर ले तो उसको सूट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ख्याल रखें, अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली है या एक्नी प्रोन है या आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी एक्टिव एक्नी चल रही है, तो आपने जो अपना फेस अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है वो एंटी एक्नी या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज ना करें। जिन लोगों की स्किन ड्राई है या जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है वो तो किसी किस्म का भी कर सकते हैं, जिनकी स्किन ड्राई या मैच्योर होती है या एजेड स्किन है वो सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर्स यूज करें तो वो स्किन को रिपेयर भी करेंगे, और या फिर हाइलुरोनिक एसिड वाले यूज करें तो भी वो रिपेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है आपका सनब्लॉक। जी हाँ, गर्मियां हो या सर्दियां, सनब्लॉक तो आपने लगाना ही है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है, तो सनब्लॉक मस्ट है। सनब्लॉक भी अगर आप चेंज करना चाहें अकॉर्डिंग टू वेदर एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, तो आप कर सकते हैं कि आप गर्मियों में कोई और सनब्लॉक यूज कर रहे थे तो अब आप सर्दियों में कोई और सनब्लॉक यूज कर लें। जो आपकी स्किन मांगे आप उसको वो देंगे, सुटेबल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्किन अच्छी भी रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और आपको तंग भी नहीं करेगी और एकदम फ्रेश आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा पानी आप कितना पीते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं सर्दियों के मौसम में तब भी आपकी स्किन आपको डल भी फील होगी, आपको विदर्ड भी लगेगी और उसके साथ साथ आपको ड्राई भी लगेगी और ड्राई रहना शुरू हो जाएगी। तो पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा तो नहीं जैसे गर्मियों में लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश करें कि 8-10 ग्लासेस तो आप ज़रूर लें। प्यास तो कम लगती है, लेकिन अगर आप बॉटल में रख लें और सिप बाय सिप लेते रहें तो आपको पता भी नहीं चलता और आपकी बॉडी जो है उसको जितना पानी रिक्वायर्ड है वो भी मिलता रहेगा। अगर बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होगी तो स्किन भी आपकी डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगी, वरना तो ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लगाया भी करेंगे, मॉइस्चराइज भी किया करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने लगी हूँ। प्रोडक्ट्स दिखाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि इस किस्म की चीज़ जो है वो अवेलेबल है आपके लिए, और आप इसको अगर नहीं भी आपको समझ आता कि आपको क्या लेना चाहिए तो आप जो क्लिनिक के नंबर्स होते हैं उसके ऊपर कॉल करके अपनी स्किन टाइप बता के और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं आपको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको फेस वॉशेस दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये हाइपोएलर्जेनिक फेस वॉश है और डीप मॉइस्चराइजिंग है और ये रिपेयरिंग सनब्लॉक है। इट्स रियली नाइस, और अगर आपकी स्किन जो है वो आपको विदर्ड लगती है, आपको बिल्कुल जो है वो मुरझाई हुई लगती है सर्दियों में या बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक और दिखाने लगी हूँ, ये वाला जो है ये भी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है और ये साथ में ब्राइटन अप भी करता है, यानी कि ये आपकी स्किन के कलर को, टोन को फ्रेशनेस भी देगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा, लेकिन उसके अलावा ये मॉइस्चराइज भी करेगा, ये भी बहुत अच्छा है। किसी भी स्किन टाइप पर इसको यूज़ किया जा सकता है, दोनों जो मैंने आपको दिखाए हैं वो किसी भी स्किन टाइप पर यूज़ किए जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ मॉइस्चराइजर्स। सबसे पहले मैं आपको वो वाले मॉइस्चराइजर्स दिखाने लगी हूँ जो ऑयली स्किन या नॉर्मल टू ऑयली स्किन और या फिर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वाले हैं और या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी है। ठीक है, एक तो ये वाला मॉइस्चराइजर है, ये बहुत अच्छा है और ये एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर है। आप इसको दवाई भी समझें और उसके साथ साथ जो है वो मॉइस्चराइजर भी समझें, और इसको आप डे या नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस ऐसे लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या उनके ऊपर एक्टिव एक्नी है या एक्नी प्रोन है। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाने लगी हूँ, ये भी जो है ये एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर है। इसका ये मतलब हुआ
कि ये आपको ब्रेकआउट्स नहीं देगा, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, लेकिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेगा। और उसके अलावा आप इसको एज ए ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्नी या फिर एक्नी पोर्स के। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ वो अब हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें ऐसे लोग जिनको सिरम फॉर्म में मॉइस्चराइजर चाहिए या जिनको हमने दे उनकी स्किन ऐसी है कि हमें वो आप सेंसिटिव भी है और उसके अलावा जो है वो ब्रेकआउट भी करती है, तो सिरम फॉर्म में आप मॉइस्चराइजर दे सकते हैं। इट्स ए वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, ये सिरम की फॉर्म में है और ये बहुत अच्छा है और किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम उसको देते हैं सिरम फॉर्म में है तो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स भी होते हैं और वो सेंसिटिव भी है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये वाला जो है ये बहुत अच्छा सनब्लॉक है, ये हाइपोएलर्जेनिक है और ये ऐसी स्किन टाइप्स जो कि मैच्योर होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं और साथ में सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आता कि कोई भी चीज़, मतलब पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं कुछ भी लगा लूँ तो मेरी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है, तो ये ऐसी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला मॉइस्चराइजर, ये मैच्योर या फिर ऐसी स्किन जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राई हो जाती है बार बार, मतलब आपने मॉइस्चराइज किया, आपने सब कुछ लगाया, थोड़ी देर के बाद देखा तो फिर से ड्राई होगी, तो ये बेसिकली जो है वो एजड मेच्योर या बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए है। ये सिरामाइड्स के साथ है, ये टाइटनिंग, लिफ्टिंग और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजेशन देता है और ये सिरामाइड्स के साथ है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और मॉइस्चराइजर, ये बड़ा यूनिवर्सल सा मॉइस्चराइजर है, आप किसी भी स्किन टाइप पे दे देंगे तो ये चल जाएगा, इवन ये कि गर्मियों में भी हम इसको यूज़ कराते हैं और ये बहुत ही अच्छा है और मैंने जैसे कहा कि यूनिवर्सल टाइप का है कि आप किसी को भी दे देंगे, किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कराएंगे तो वो आपको ब्रेकआउट्स नहीं शो करेगी, पोर क्लॉगेज नहीं शो करेगी और आपकी स्किन जो है वो विदर्ड भी नहीं होगी, मॉइस्चराइज्ड रहेगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, ये जो है ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ है क्रीम, ये बहुत अच्छी है, जिन लोगों की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, मैच्योर है, एजड है, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जिन लोगों के हाथों की स्किन उनको रिंकली फील होना शुरू हो जाती है वो लोग इसको हाथों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें कि फेस के साथ साथ नेक का ज़रूर ध्यान रखें, नेक के ऊपर भी आपने सब कुछ अप्लाई करना है, जो कि आप अपने फेस पर करते हैं वो फ्रंट ऑफ नेक के ऊपर उसी तरह से अप्लाई होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखा दिए थे और ये प्रोडक्ट्स इसीलिए आपको दिखाते हैं कि आपको थोड़ी नो हाउ हो जाए, आपको थोड़ा नॉलेज हो कि अच्छा किस तरह की स्किन के ऊपर कैसी चीज़ लगाई जा सकती है। अब देखते हैं जी आप लोगों के क्वेश्चंस। शाजिया फारूक 749 ने ज्वाइन किया है, असरा जबीन ने ज्वाइन किया है, जेबा मलिक ने ज्वाइन किया है, उसके बाद फातमा इफ्तार, कुयूम 59 ने ज्वाइन किया है, हसाम एच के 786 ने ज्वाइन किया है, हसाम एच के 786 पूछ रहे हैं, अस्सलामुअलैकुम मैम, होप यू आर फाइन, इज आयरन ऑक्साइड इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड इन सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम विजिबल लाइट बिकॉज समवन सेज विजिबल लाइट फर्दर इंक्रीजेस पिगमेंटेशन ऑन पिगमेंटेड स्किन। जो सनब्लॉक्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड जो है ना, आपने आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ, शायद आप लिखना जिंक ही चाहते थे, जिंक ऑक्साइड एक ऐसा है इंग्रेडिएंट जो कि सनब्लॉक्स के अंदर यूज होता है, बट जिंक ऑक्साइड जो है वो बहुत वाइट सा एक पेस्टी सा लुक देता है जिसको पसंद नहीं किया जाता, तो उसको उस लुक को ठीक करने के लिए उसके अंदर टिंट्स भी डाले जाते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं। आप याद रखें एक आसान सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट को चूज कैसे करेंगे सनब्लॉक को। आपने बस ये देखना है कि आप जो सनब्लॉक लें वो एटलीस्ट SPF 50 हो, यानी कि SPF के आगे 50 लिखा हो और जहाँ पे 50 लिखा होगा उसके ऊपर एटलीस्ट 2 प्लस के साइंस ज़रूर हो, 3 नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, 2 प्लस के साइंस हो, कि जो SPF है सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ये आपको UVB जो रेज होती हैं उनसे बचाने के लिए होता है और जो उसके ऊपर प्लस के साइंस हैं वो UVA से बचाने के लिए होता है। UVB क्या करती है और UVA क्या करती है ये मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगी, बिकॉज वो मैंने सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक्स के ऊपर करना है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो आप बस याद रखें कि आप जब चूज करने लगे हैं सन ब्लॉक तो उसमें आपने कंसिस्टेंसी तो सोच देखें कि भाई ये ऑयल बेस्ड तो नहीं है और ये लोशन बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, जेल बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, क्या है,
वो तो आप जरूर देखें, लेकिन आपने जब इसके ऊपर देखना है कि इसमें प्रोटेक्शन कितनी है, तो फिर ये दो चीजें आपने देखनी है कि SPF जो है उसके आगे 50 एटलीस्ट जरूर हो, और फिर उसी नंबर के ऊपर जो है वो एटलीस्ट 2+ के साइंस जरूर हो, तो इसमें हमें UVA UVB दोनों का कवर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलीन सैयद 97 ने ज्वाइन किया है, मस्का खान ने ज्वाइन किया है। अलीन सैयद 97 कह रही है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, हाउ आर यू, आई डिड क्यू स्विच लेजर ऑफ 1450 जूल्स, अच्छा, फॉर ब्राउन स्पॉट्स ऑन हैंड एंड फीट नकल्स, बट आई डिडंट फील एनी डिफरेंस, काइंडली सजेस्ट समथिंग एल्स। क्या आपने, मुझे समझ नहीं आई कि आपको क्या इशू हो रहा है। क्यू स्विच लेजर जो है वो बहुत अच्छा रहता है पिगमेंटेड लीजन्स के लिए, उसके ऊपर एनर्जी जो है जो कर रहा होता है जो आपका फिजिशियन होता है वो उसी को पता होता है कि वो किस स्किन के ऊपर और कितनी पिगमेंटेशन के ऊपर क्या एनर्जी यूज कर सकता है। इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर द पेशेंट, उसकी समझ या उसके लिए वो यूजफुल नहीं होता। एक दफ़ा करने से तो मैजिकली कोई चीज़ नहीं जाती है, और जो डार्क नकल्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते कि एक दफ़ा करेंगे और चले जाएंगे। डार्क नकल्स वाली जगह से स्किन मोटी भी होती है और डार्क भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। आप देखें जिसके पास भी आप गए थे और आपने कराया है, उन्होंने कोई आपको नंबर ऑफ सेशंस बताए होंगे, उन्होंने कोई आपको साथ लगाने के लिए कुछ दिया होगा, उन्होंने ये भी बताया होगा कि आपने रीविजिट कब करना है या आपका फॉलो अप विजिट जो है वो कब होगा और सेकंड सेशन कब होगा। तो उन सब की सब चीज़ों को आप फॉलो करें। अगर आपको कोई इशू भी आया है तो आप उनके पास जाके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप कॉल करके उनको ज़रूर बताएं कि मुझे इस तरह से फील हो रहा है, क्या ये ऐसे ही होना चाहिए था या नहीं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा जो है वो हम कार्बन पील्स जो हैं वो भी करते हैं डार्क नकल्स के लिए, उसके अलावा केमिकल पील्स भी किए जाते हैं डार्क नकल्स के लिए। बट मैं ये बता दूं कि डार्क नकल्स के लिए जो भी करेंगे वो कोई एक सिंगल सेशन में ख़त्म होने वाला नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि हमने टोटल इसमें जो डार्क नकल्स हैं उनको ट्रीट करना होता है थ्रू ए प्रोसीजर, ऐसा भी नहीं होता। शुरू में कुछ प्रोसीजर्स करके और साथ में लगाने के लिए दे देते हैं। अगर हम कोई प्रोसीजर नहीं करते तो फिर तो आप सोच लें कि डार्क नकल्स को आप लगाते जा रहे थे खाली लगाने वाली चीज़ें, तो वो तो हिलेगा भी नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जिस तरह से आप जहां गए और उन्होंने आपको जिस तरह से समझाया या बताया आप उसको फॉलो कर लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा चले जाएं या फिर बात कर लें। उसके बाद आतिफ फिर ने ज्वाइन किया है, और फातिमा इफ्तिखार कह रही है, छोटे छोटे बम्स हो फेस पे तो ज़ैपसिट यूज़ कर सकते हैं। जी ज़ैपसिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लिनजिंग भी करें। अगर आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे पिंपल्स बनते हैं, छोटे छोटे जिट्स आते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है ज़ैपसिट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्लिनजिंग भी करें। ज़ैपसिट जो है ना ये फुली मेडिकेटेड है, इसको आप 2-3 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो एक दिन में फेस के ऊपर यूज़ ना करें, लेकिन जो क्लिनजिंग है वो तो आप दिन में 2 दफ़ा करें और फेस वॉश से पहले करते हैं, तो उससे आपके पोर्स क्लिंस रहा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो जिट्स बनते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मुस्कान बट 14 ने ज्वाइन किया है। मारी एम खान 95 कह रही है, प्लीज टेल एनी गुड इलेक्ट्रॉनिक टूल फॉर फेस व्हाट शी कुड अप्लाई बिफोर यूज इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। समझ नहीं आई, प्लीज टेल एनी गुड इलेक्ट्रॉनिक टूल फॉर फेस व्हाट शी शुड अप्लाई बिफोर यूज। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो नहीं, एक मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें से निकालो रोलर निकाले नीचे से। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे मैं मसाज के स्टेप्स बताती हूँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कहना चाहते हैं तो इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, बट यूजली ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। जैसे ये जो है ये वाइब्रेट भी करता है जब इसको चलाते हैं, और उसके ऊपर जो है वो जेट रोलर भी लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर रोलर भी लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपने नीचे जो है वो कोई सा मॉइस्चराइजर या कोई सा सीरम जो कि सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ना होने दे, जब आप इसको चलाएंगे तो फिर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप कोई सा भी जो है वो अच्छे वाला मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजिंग सीरम यूज कर सकते हैं। डिवाइसेस जो अगर आप घर में यूज करना चाहते हैं तो इस तरह के डिवाइसेस जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। उससे पहले क्या लगाना है आपका ये क्वेश्चन है, तो आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर या कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग सीरम यूज करके और फिर उसके ऊपर इसको यूज करें। आपकी कोई भी अगर रूटीन की भी क्रीम है, जैसे कोई नाइट एप्लीकेशन है, नाइट क्रीम है, तो उसको लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आयशा शेख 536 ने ज्वाइन किया है। उसके बाद अलीन सैयद 97 ने ज्वाइन किया है, वो कह रही है फैसलाबाद से, जी बताएं कैसा मौसम है। आपने ये भी बताना था कि फैसलाबाद में कैसा मौसम है, चेंज आता जा रहा है और क्या कैसा चल रहा है मौसम।
जेबा मलिक 5 कह रही है फ्रॉम एबटाबाद, हेयर विंटर हैज कम. वेरी नाइस यार, एबटाबाद में विंटर्स आ गए. हम भी इस्लामाबाद का भी अच्छा है, लेकिन अभी हम इसको विंटर्स तो नहीं कह सकते. अभी बहुत अच्छा मौसम है, आप कुछ भी पहन सकते हैं और आपका मूड भी अच्छा रहेगा. जेबा मलिक 5 कह रही हैं लव विंटर. जी मुझे भी विंटर्स ही पसंद है. और किसी और आप सब लोग भी बताते जाएं कि आप सब लोगों को समर्स पसंद है या विंटर्स पसंद है. अनाया गुजर ने ज्वाइन किया है, हारून रशीद 5 ने ज्वाइन किया है, मारियम 95 कह रही है प्लीज टेल एनीथिंग फॉर वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, आई एम ऑल्सो डूइंग क्लिंजिंग. यही सबसे अच्छा है कि आप क्लिंजिंग करें. इसके अलावा बायो वन की ग्लाइकोलिक एसिड 10% क्रीम आती है, वो आप रात के टाइम लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत बेहतर फील होगा. अगर आप सब कुछ कर रहे हैं या आपने अपनी रूटीन में सब कुछ ऐड कर लिया और उसके बावजूद आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीबम का प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखा. सायरा 949 ने ज्वाइन किया है, ममूना अब्बासी ने ज्वाइन किया है, सायरा राना ने ज्वाइन किया है, नाजिम हुसैन ने ज्वाइन किया है, नौशीन नौशी 13 ने ज्वाइन किया है, सर्चिंग सोल ने ज्वाइन किया है और उमैमिशवा ने ज्वाइन किया है. मारियम खान 95 कह रही है प्लीज टेल व्हाट थिंग यू अप्लाई इन लाइव सेशन. अभी अभी मैंने क्या लगाया हुआ फेस के ऊपर, क्या लगाया हुआ? बिल्कुल सेम जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पहले क्लेंजिंग कर ली, क्लेंजिंग करने के बाद फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद जो है वो मैंने विटामिन सी का सिरम लगाया, उसके ऊपर मैंने अपना सेरामाइंस वाला मॉइस्चराइजर लगाया. मैंने ये लगाया हुआ, दिस इज द मॉइस्चराइजर आई हैव अप्लाइड, ठीक है, सेरामाइंस वाला इसको लगाया हुआ है. फिर उसके ऊपर मैंने अपना जो है वो सनब्लॉक लगा लिया है, सनब्लॉक लगाने के बाद जो है वो मस्कारा लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया और साथ में ब्लश ऑन लगा लिया. लेकिन मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, मैं नहीं लगाती. अगर आपको जगह जगह से जो है वो शाइन या ग्लो नजर आ रहा है, दैट इज बिकॉज कि मेरी स्किन जो है वो क्लेंस्ड थी और उसके बाद जो है वो वेल प्रेप्ड थी, उसके ऊपर मैंने कोई चीज लगाई है. मारियम खान कह रही है प्लीज टेल व्हाट, ठीक है ये हो गया. उसके बाद इट्स एमन शफीक ने ज्वाइन किया है, अनमली ने ज्वाइन किया है, उसके बाद अफशा कामरान ने ज्वाइन किया है और नायला ने ज्वाइन किया है, उसके बाद सोफिया खान ने ज्वाइन किया है और चौधरी आशिफ 24 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मंजर उस्मा ने ज्वाइन किया है, सुमेरा कियानी ने ज्वाइन किया है. मारियम खान कह रही है आई एम 15, माई स्किन इज कॉम्बिनेशन एंड एक्नी प्रोन स्किन, सो शुड आई यूज ड्यू मैक्स मॉइस्चराइजर ऑन फेस, सो इट डू गिव मी मोर एक्नी, आई एम कन्फ्यूज सो प्लीज केयर दिस. नहीं आपको वैसे लोशन से तो नहीं होनी चाहिए एक्नी, बट एक्नी तो आपको ऑलरेडी है. इट्स बेटर कि आप इस तरह के इन दोनों में से कोई मॉइस्चराइजर यूज करें. मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों जो हैं ये एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर्स हैं. इन दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे तो ये आपकी स्किन पे एक्नी भी नहीं होगी और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहेगी, ठीक है. रजा अली ने ज्वाइन किया है, आलिया नूर ने ज्वाइन किया है, परमशा वाकिर ने ज्वाइन किया है, उसके बाद अफशा कामरान ने ज्वाइन किया है. लिखा हुआ प्योरेस्ट का एंजाइम पील सेंसिटिव स्किन पे यूज कर सकते हैं. एंजाइमेटिक पील्स जो हैं वो आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन के हिसाब से यूज करिएगा. जैसे अगर स्किन जो है वो नॉर्मल है तो आप हफ्ते में एक दफा कर लें, अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप ट्वाइस वीकली भी कर सकती हैं, और अगर जो है वो स्किन ड्राई है तो आप 7 to 10 days हफ्ते या 10 दिन में एक दफा भी कर सकते हैं, ठीक है. मारियम का 95 कह रही प्लीज मेक सेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज फॉर फेस. जी वो भी कर सकते हैं, आई विल कंसिडर दैट टू. हाला आमिर ने ज्वाइन किया है, अलीन सैयद कह रही है आई स्टार्ट यूजिंग थायोसिल टैबलेट एंड विटामिन सी माय कलर इज गेटिंग डल, इन फैक्ट आई एम डूइंग गुड स्किन केयर रूटीन टू. देखें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करती हैं, ख़राब नहीं करती हैं. इनकी वजह से तो ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन आप और कोई चीज़ मिस आउट कर रही हैं, कोई और लूप होल है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं कर पा रही हो, जैसे सनब्लॉक को सुबह लगाया दोबारा नहीं लगाया उसको देख लें, या फिर अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता. आपने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि देखनी है कि बॉडी में डेफिशिएंट तो नहीं है, एक आपने हीमोग्लोबिन देखना है, एक आपने विटामिन डी के लेवल्स देखने हैं और एक आपने विटामिन बी के लेवल्स देखने हैं. ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये बॉडी में ठीक हो और आप ऊपर से लुक आफ्टर या केयर भी कर रहे हैं, सन प्रोटेक्शन भी दी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि वो डार्क करने के लिए तो नहीं है ना, वो कैसे डार्क कर सकता है. हाँ खाने का टाइम देखें, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा एक साथ पानी से ही आपने लेना होता है, और आपने लेना होता है नाश्ते से 1 घंटा पहले,
और अगर आप अपने वेट के हिसाब से डोज नहीं ले रहे या बहुत ज्यादा लो डोज में ले रहे हैं तो भी आपको कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता। ये सारी चीजें आप देखें। रजा अली ने ज्वाइन किया, ओके मैम क्लिंजिंग डेली करती हूँ, ओपन पोर्स नजर आते हैं। नहीं नहीं, खाली क्लिंजिंग तो क्लिंजिंग से तो ओपन पोर्स नहीं जाएंगे ना। अगर ओपन पोर्स है तो ओपन पोर्स को खत्म करने के लिए डिफरेंट तरह की क्रीम्स, डिफरेंट तरह के लोशंस होते हैं और वो उसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम मैं वैसे दिखाती भी रही हूँ, बताती भी रही हूँ, 10% ग्लाइकोलिक एसिड बायो वन का, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप रात के टाइम पे यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं और वो किसी चीज से कवर ही नहीं हो सकते हैं तो फिर आप जो है वो इसके लिए ट्रीटमेंट भी कराते हैं। मारियम खान कहती हूँ प्लीज मेक सेशन ऑन एक्नी। यार एक्नी के लिए तो मैं करती ही रहती हूँ, अब एक जो नेक्स्ट होगा ना वो सनब्लॉक्स के ऊपर करके और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह एक्नी के ऊपर करूंगी। आलिया नूर कह रही है अंडर आई फाइन लाइन्स एयर रिंकल्स के लिए कोई मेडिसिन बताएं प्लीज। फाइन लाइन्स जो कि अंडर आईज पे जो फाइन लाइन्स होती हैं या साइड्स के ऊपर जो फाइन लाइन्स होती हैं उनके लिए हाइलुरोनिक एसिड के मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे रहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के सिरम्स यूज कर सकते हैं आप, हाइलुरोनिक एसिड के क्या कहते हैं क्रीम्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप कॉलेजन भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें भी यूज कर सकते हैं कि एक चीज कॉलेजन वाली चीज जो है या सिरम जो है वो सुबह लगा लिया और एक हाइलुरोनिक एसिड वाला रात को लगा लिया। फौकिया वकार ने ज्वाइन किया है, लुबना सुहेल ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मारियम खान कह रही है आई एम यूजिंग डार्क आउट हैंड क्रीम एंड बाय वन ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, शुड आई यूज रिट्रीव क्रीम और नॉट, इट इज फॉर व्हाइटनिंग। मैंने तो अगर दिया होगा तो मैंने तो तीनों को मिक्स करके लगाने के लिए दिया होगा कि तीनों को आप सेम अमाउंट में जो है वो अपने पाम पे मिक्स कर लें, निकाल लें, तीनों को सेम अमाउंट में निकालें, उनको मिक्स करें और उसके बाद लगा लें, यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह से लगाइए तीनों को मिला के। पलवशा बाकर कह रही है हेलो डॉक्टर नौशीबा प्लीज मेक सेशन ऑन सोराइसिस। ओके पलवशा, आई विल ट्राई कि मैं सोराइसिस पे सेशन करूँ। एक्चुअली सोराइसिस ऐसी डिजीज है ना कि उसके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो नहीं उसके बारे में जानना चाहते क्योंकि उसको कुछ उनको कुछ पता ही नहीं होता और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कि ये क्या है। इतना कॉमन इशू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं किसी चीज़ के साथ भी अगर आपके लिए या कुछ ऐसे लोग जो कि देख रहे होते हैं और उनको सोराइसिस है और आपको पता है कि सोराइसिस तो एक ऑनगोइंग डिजीज़ है, उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ बेहतर रख सकते हैं या कंट्रोल फॉर्म में रख सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ आपके डूज एंड डोंट्स आपको ज़रूर बताऊँगी। फातिमा इफ्तार कह रही हैं ऑयली स्किन और एक्नी वाली के लिए मॉइस्चराइजर बताते हैं प्लीज। अभी मैंने दिखाया है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये दो मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि एंटी एक्नी है। फातिमा आप देख लें, ये दोनों मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो एंटी एक्नी मॉइस्चराइजर्स हैं, तो ये दोनों एक्नी भी नहीं होने देते, एक्नी को भी कंट्रोल रखते हैं और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन एक्नी प्रोन या एक्नी उनको है। आलिया नूर कह रही है अंडर आई ब्लू लाइंस विजिबल हैं क्या यूज करें। अगर अंडर आई के एरिया में ब्लू लाइंस हैं जो कि विजिबल हैं तो इसका मतलब ये कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, इसके लिए विटामिन के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद मारियम खान कह रही है आई एम यूजिंग डार्क आउट फेस क्रीम, माई आई आर सो मच वॉटरी व्हेन आई अप्लाई दिस क्रीम। आईज के ऊपर या अंदर नहीं जाना चाहिए, आप आराम से लगाएं, ध्यान से लगाएं और उसको दूर ही रहने दें, अदरवाइज तो देखिए वो आई के लिए तो बनी नहीं ना। जब आप लगाएंगे तो लगाने के बाद अगर आप जब एब्जॉर्ब होगी तब खोलें 2-3-4 seconds के बाद, 5 seconds के बाद, तो उससे भी ठीक रहेगा, उससे भी आपको इशू नहीं होगा। उसके बाद परसवाजा कह रही है मैम माई स्किन ऑयली बट अब ड्राई हो रही है, इसी का फेस वॉश यूज कर रही हूँ। इसी का फेस वॉश यूज कर रही है, इसके साथ आप मॉइस्चराइजर ऐड कर दें। ये देखें इन दोनों में से कोई सा मॉइस्चराइजर ले लें, ये मैं फिर दिखा रही हूँ, इन दोनों में से कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले लें, यूज करें, उससे स्किन ड्राई होगी। ओके नवीद बुशरा ने ज्वाइन किया है, रजा अली ने ज्वाइन किया है, जेंसन का फेशियल सैलून से करवा सकते हैं जी। मैं किसी सैलून फेशियल के लिए आपको कुछ सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ, नॉट एट ऑल। सैलून फेशियल्स को आप ना ही ऑप्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, चाहे वो किसी भी कंपनी का आपका कर रहे हैं। ठीक है, ताहिर खान 8164 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मारियम खान कह रही है 15 माई स्किन कॉम्बिनेशन एक्टिंग प्रोन स्किन, माई आई एरिया हैज फाइन लाइंस अराउंड माई लिप्स, प्लीज टेल आई एम वरीड, इट लुक दैट
आई लुक एजड बिकॉज ऑफ फाइन लाइंस अराउंड आई एरिया एंड लिप्स. यार ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज इनमें से कोई सा भी बाय कर लें मॉइस्चराइजर और उसको लगाया करें. आईज के अराउंड भी लगेगा, आपकी जो लाइंस आपको फील होती हैं ड्राइनेस की वजह से फील होती होंगी. 15 की उम्र में कौन सी लाइंस आती हैं यार, वो तो आपको ड्राइनेस की वजह से क्रिंकली सी स्किन लग रही है. तो ये जो है ये आपने यूज, इन दोनों में से कोई सा ले लें उसको यूज करें, वो ठीक रहेंगी, आपको इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह. और सनग्लासेस जरूर लगाया करें जब आप बाहर जाएं, तो सनग्लासेस जरूर लगाएं. जो लोग सनग्लासेस नहीं लगाते वो ऐसे कर करके दिखते हैं और रखते हैं अपनी आईज को, तो उससे फिर और भी ज्यादा लाइंस पड़ती हैं. मरियम खान कह रही है प्लीज टेल एनी गुड लैश एंड ब्राउ सीरम. अच्छा ठीक है, लैश एंड ब्राउ सीरम भी मैं दिखा दूंगी आपको, अच्छे वाले ही दिखाऊंगी, दो तीन ही दिखाऊंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे होंगे, उनको आप यूज करेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा जी. उसके बाद मरियम खान कह रही है प्लीज टेल एनीथिंग फॉर लिप्स, आई हैव वेरी ड्राई लिप्स, व्हेन आई अप्लाई लिपस्टिक आई कुड नॉट टॉक, इट्स सो मच ड्राइंग, प्लीज टेल एनीथिंग फॉर इट. यार इसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर, लिप मॉइस्चराइजर्स, लिप बाम्स मिलते हैं. आप कोई भी लिप बाम या लिप मॉइस्चराइजर्स लगा सकती हैं. अगर बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैप लिप्स होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि कभी जो है वो एक्सफोलिएट नहीं करते लिप्स को. अगर आप लिप्स को एक्सफोलिएट नहीं करेंगे तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और जो स्केल्स हैं आपकी बने हुए वो ऊपर ही रह जाएंगे. अब जब वो ऊपर हैं तो अंदर भी कुछ नहीं जा रहा और आप अगर कुछ लगा भी रहे हैं तो वो बुरा भी लग रहा है, जैसे आप लिप कलर लगा रहे हैं तो वो बुरा लग रहा है. तो इट्स बेटर कि आप कोशिश किया करें कि आप हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो लिप्स को एक्सफोलिएट ज़रूर करें. लिप एक्सफोलिएटर जो है वो आपको बाजार से मार्केट से आराम से मिल जाएंगे और आपने जो लिप एक्सफोलिएटर है वही लिप पे यूज़ करना है, आपने कोई स्किन वाला एक्सफोलिएटर लिप्स के ऊपर यूज़ नहीं करना. और अगर आप बाहर से नहीं लेना चाहते तो कॉफ़ी और शुगर दोनों के ग्रेन्स को मिक्स कर लें, हल्का सा जो है वो आप अपने लिप्स को वेट करें, नम करें और उसके बाद डैम्प होगा तो उसी के ऊपर जो है वो उसको स्क्रब की तरह यूज़ कर लें फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है. तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा. अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके जो लिप के ऊपर लगाने के लिए हाइलुरोनिक एसिड के मॉइस्चराइजर्स हैं आप वो ले सकते हैं. आमना यास कह रही है एनी क्रीम फॉर एक्ने स्कार्स प्लीज बता दें. यार स्कार्स जो खड्डे होते हैं ना वो क्रीम्स वगैरह से नहीं जाते, मैं बता के आपको क्या करूंगी. अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप कॉलेजन का सिरम लगा लें, कॉलेजन की क्रीम लगा लें, लेकिन खड्डे जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के यानी कि प्रोसीजर के बगैर चीजें लगा के नहीं जाते. लवली शॉपिंग के लिए प्लीज मुझे अंडर आर्म डार्क सर्कल डार्क कलर को रिमूव करने के लिए कोई क्रीम बता दें कोई साइड इफेक्ट के बगैर. अब आप दोनों चीजों के लिए पूछ रही हैं, डार्क सर्कल्स के लिए तो डार्क आउट क्रीम बहुत अच्छी है, डार्क आउट आई क्रीम वो लगा लें आप. और अगर आप जो है वो पूछ रही हैं अंडर आर्म्स जो हैं वो डार्क हैं उसके लिए, तो उसके लिए इंटी लाइट के नाम से क्रीम है वो बहुत अच्छी है. और या फिर जो है वो बायोक्सिन का जो है वो अंडर आर्म रोल ऑन आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं. ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर आप इनकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये आप क्लिनिक के नंबर जो शो हो रहे हैं उसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं जी. उसके बाद पर्क्स ऑफ बीइंग रबिया पूछ रही हैं सर के बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गया कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए. बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन है तो प्लीज़ आप पहले दिखा लें और इस तरह से ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपके स्कैल्प को देख के जिस तरह का एंटी फंगल शैम्पू चाहिए होगा या क्या चीज़ चाहिए होगी रिक्वायर्ड होगी वो आपको देंगे. प्लीज़ आप दिखा लें और उसके बाद यूज़ करें, ऐसे ना यूज़ करें. उसके बाद वाइब्रेंट जीपी कह रही हैं प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑफ डर्मा प्लानिंग एट होम. यार ये तो बहुत आसान है, आपने अगर डर्मा प्लानिंग करनी है वो कोई ख़ास चीज़ या कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है. आप अपनी स्किन की क्लेंजिंग करके फेस वॉश करके उसको ड्राई करके आपके पास जो फेशियल रेजर्स जिसको टिंकल रेजर बोलते हैं आईब्रो रेजर बोलते हैं या फिर फेशियल रेजर बोलते हैं आप वो लेके और उसी से जो है आप उसी को अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे तो इट वर्क्स एज डर्मा प्लानिंग. इसके लिए कोई आपको डिफरेंट चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के अंदर इसी से इसको कर सकते हैं. जब आप इसको कर लें तो उसके बाद अपनी स्किन को हाइड्रेट अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें. कोशिश करें कि ऐसा कोई भी प्रोसीजर या प्रोसेस आप करें तो घर के अंदर रात के टाइम पे करें ताकि आपकी स्किन जो है वो सूद और काम हो सके और फ़ौरन से उसको लेके धूप में ना चले जाए. ठीक है,
ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें। आज का जो है वो सेशन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।